नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यू आर गॉड। और आज मैं आपको अपना जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस है योगा एक्सपीरियंस कह लीजिए, डीप मेडिटेशन में देखा गया विजन कह लीजिए, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने देखा कि एक ऊँट किसी समुद्र में लंबे समय से मतलब तैर रहा है, वो उसमें गिर गया है या छूट गया है या चला गया है, पता नहीं क्या हुआ, और उसको बचा लिया गया जहाज के द्वारा। जहाज ने उसको निकाल लिया और फिर उसको बाहर लाया गया। ठीक है, फिर उसको मुझे दे दिया गया और मैंने अब, क्योंकि वो ठीक हो चुका था, तो उसको मैं लेकर के गया एक ऐसे गार्डन में, वो किसी का घर था, और वहां से हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद वहां और भी बहुत सारे ऊँट बंधे हुए थे, तो उनके साथ में उसको खेलने के लिए या जान पहचान करने के लिए उसको ऊँट को मतलब वहां लाया गया और ऊँटों के बीच में उसको छोड़ दिया गया। तो देखिए, ये जो दृश्य मैं देख रहा था ना, तो इसमें जो लोग वहां पर थे, उस घर के मालिक, वो मतलब ना बड़ी बड़ी मूछों वाले और सिर पे साफा बांधा हुआ था, राजस्थानी जैसी पोशाक होती ना, उस तरह के लोग थे और सब बैठे हुए थे। तो वहां मैंने गार्डन देखा है उनका, और वो बहुत ही सुंदर था, मतलब वो बगीचा उन्होंने लगाया था खुद, और उसमें ऐसे ऐसे फूल खिले हुए थे शानदार, तरह तरह के रंग बिरंगे। मैं उनसे पूछ रहा था, भाई ये इतने अच्छे फूल आपने कैसे खिलाए और इनके बीज कहाँ मिलते हैं, इस तरह की बात मैं उनसे पूछ रहा था। तो अब आप देखिए, ये जो सारा सारा दृश्य मैंने देखा ना, आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है, वो जो ऊँट था ना, वो तो थी मेरी कार, जो काफ़ी समय से पड़ी हुई थी और मतलब है ना, जो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी एक तरह से, मानिए आप। वो जहाज था, वो काले रंग की कार, जो उसको खींच करके ले गया वहां तक, जहां गैरेज तक, और गैरेज में जो बहुत सारी जो कारें खड़ी हुई थी ना, वो सारी की सारी कारें थी वो बाकी के ऊँट, जिनके बीच में हो गई और उसकी सर्विस हुई। ठीक है, और उसको एकदम से ठीक कर दिया गया। इसके अलावा वो जो गार्डन था ना, वो था, क्योंकि वो जो गैरेज है जहाँ पर, जहाँ बहुत सारी कारें खड़ी हुई है, उससे थोड़ी दूरी पर एक नर्सरी है, पौधे मिलते हैं वहाँ पर। अब हम क्या करते हैं कि कभी कभी वहाँ से पौधे खरीद के लाते हैं गमले सहित, और वो है वो, और वहाँ के जो लोग हैं, वो गांव के लोग हैं, तो उसी तरीके से रहते हैं।